हेलो पापा। हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत दिन के बाद आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। नया साल आ गया, आज 1 तारीख है, तो उसमें बस एक ही ब्लॉग डाला मैंने। तो आज हम लोग सोच रहे हैं, बहुत दिन हो गया, नया साल भी आ गया पुराना साल से, तो कहीं रेस्टोरेंट वगैरह गया नहीं। तो रिसेंटली हम लोग का ये घर सामने में ही है, उसमें नया रेस्टोरेंट खुला है, तो उसमें जा रही हूँ अभी। तो देखते जाइए आप सब मेरी ब्लॉग, उसमें क्या मिलेंगे स्पेशल। मैं जा रही हूँ, बेटी एंड सुमी जा रही हूँ, हस्बैंड तो नहीं जाएंगे बोल रही है। तो अभी बेटी तो खा नहीं पाएंगे, पर भी देखते हैं क्या क्या है उसमें। सुमी तू कहाँ जा रहा है खाने के लिए? क्या खाने के लिए जा रहा है? मालूम नहीं क्या मिलेगा। हाँ, तो देखते हैं हम लोग कभी नया रेस्टोरेंट में क्या मिलते हैं। अभी घर सामने में है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो देखते जाइए गाइस। इतना बड़ा बिल्डिंग बना के रखा है, इसमें तो आदमी बैठता ही नहीं अभी तक। गाइस ये है रेस्टोरेंट हम लोग की सामने की, तो यहाँ घुसते हैं अभी। बट आके देखा तो रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है, बहुत दिन हो गया रेस्टोरेंट में हम नहीं खाया। आज देखते है, मेरा तो फेवरेट मतलब हर एक चीज था एक्चुअली। अभी देखते है क्या ट्राई करते हैं। मुझे मशरूम का वो पसंद नहीं ज्यादा। ओ बेटी को भी चेयर है, खा रहा है बेटी तो मिठाई चूस के, कुछ तो नहीं खा पाएगा वो। गेजू इतना गेजू क्या बोलेगा, ये कहाँ पहुंच गया, बल्कि ये आ करना शुरू हो गया तो परेशान कर देगा अभी हमको बेटी। बहुत ही परेशान करता है। हेलो बोलो पापा, आप उधर उधर क्या दिख रहा है, इधर देखो। हाय बोलो। नया नया सामान मिल रहा है ना उसको देखने, इसलिए इधर उधर पर देख रहे हैं। तो देखिए इतना सुंदर से फूल लगा के रखा हुआ है, हमें इतना अच्छा लग रहा है देखने के लिए। तो इसमें रेस्टोरेंट कुछ इस तरह का है, ये देखिए अंदर से तो बहुत ही खूबसूरत है। हाय कर दो भाई। इतना ज्यादा गेजू हो गया, अभी सुमी को भी नहीं मान रहा है, भूख के खाना पड़ रहा है, क्या तकलीफ है। सुमी दमा दम दबा रहा है। क्या तकलीफ है, बोरिया बस्तर रहकर।